अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है एल्विश यादव के जो फैंस हैं, फैमिली है, उन सब के लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात है कि एल्विश यादव को जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि संडे को अरेस्ट हुए थे एल्विश यादव, और तभी से जो उनके फैंस हैं और उनकी जो फैमिली, उनके पेरेंट्स, बुरा हाल था सभी का कि भाई एल्विश में जिस तरीके की धाराएँ लगाई गई, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली एल्विश को आज जमानत मिल गई है। और जमानत में भी देरी किस बात पे हुई है, क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी और इसीलिए कोर्ट चालू ही नहीं हो रहा था। कल जब वकीलों की हड़ताल ख़त्म हुई है, कोर्ट स्टार्ट हुआ है अपने रूटीन पे, तब कल बेल एप्लीकेशन लगाई गई और कल शाम को ये खबर आई थी कि भाई कल सुनवाई होगी, यानी कि आज सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि अब तक की सबसे अच्छी खबर यही आ रही है कि एल्विश यादव को फाइनली जमानत मिल चुकी है, और अब वो थोड़ी ही देर में अपनी जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो सब कुछ करके जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग एक सांस ले रहे होंगे राहत भरी, और बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आप लोग को जिस तरीके की धाराएं एल्विश के ऊपर लगाई गई। हालांकि एक बात और भी है कि एल्विश को 27 तारीख को फिर से कोर्ट में पेश होना है, वो जो मैक्सटन वाला मामला था उसमें एल्विश को वापस से पेश होना है कोर्ट में, गुरुग्राम कोर्ट में। अब देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये है कि एल्विश को आज जमानत मिल चुकी है, और इसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी आप सबके पास। तो मैंने कहा ये खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। जो भी चीज़ हुई है एल्विश के साथ वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन देखो अब जितनी गलती है एल्विश की उतनी सज़ा उसको मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल खुशी की बात ये है कि एल्विश को जमानत मिल चुकी है।